महात्मा बुद्ध ने कहा था, दुनिया में इतना अंधेरा कहीं नहीं है जो एक छोटी सी ज्योति को भी बुझा सके। और साथियों, हमारे पास तो एक छोटी सी ज्योति नहीं, एक सूर्य है राहुल गांधी जी के रूप में। इस सूर्य को कोई आंच नहीं दे सकता। साथियों, राहुल गांधी जी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे, इस देश के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, हम सब के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के गरीब के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के निर्माताओं के लिए जिन्होंने अपना खून बहाकर इस देश को आजादी दिलाई। महात्मा गांधी जी ने अपने खून से इस देश को आजादी दिलाई। हमारे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने न जाने कितने बलिदान दिए जो हमारे देश को आजादी मिली। कल राहुल गांधी जी जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा, और जो राहुल गांधी जी बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे लिए संसद की ये सदस्यता ज्यादा मायने नहीं रखती, चाहे मैं संसद के अंदर रहूं चाहे मैं बाहर रहूं, मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, झूठ के खिलाफ है, और ये लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। साथियों, जिसका दिल पवित्र हो आप उसके ऊपर ऐसे लांछन लगाते हैं। जो इंसान सब कुछ छोड़कर 5 महीने 3,500-4,000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, श्रीनगर तक चला हो, वो अपने लिए नहीं चल रहा था, वो चल रहा था करोड़ों लोगों के लिए, और उनके साथ करोड़ों लोग जुड़े। और इस बात से इस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार की, इस मोदी सरकार की, मोदी जी के इनके पांव हिल गए हैं साथियों। और उसी घटनाक्रम में आप इस सब बात को देखिए, जो ये इतनी बड़ी साजिश है, इतना बड़ा षड्यंत्र है कि जो एक इंसान सच बोलता है, सच का पुलिंदा है, आज उसके साथ ये साजिश रची जा रही है। साथियों, हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं, और मैं कहना चाहूंगी मेरे साथियों को भी जो मंच पर बैठे कि नेता हम बाद में, सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के सिपाही हैं, और हमको ये संघर्ष सड़कों पर लड़ना है, संसद में लड़ना है। संसद में तो लड़ने दिया नहीं जाता, सबकी आवाज चुप करा दी जाती है, माइक बंद कर दिए जाते हैं। दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी संसद है जहां पर विपक्ष की आवाज नहीं, जहां पर मीडिया को आजादी से बोलने का अधिकार नहीं, जहां पर आम नागरिक को आजादी से जीने का अधिकार नहीं। साथियों, एक लोकतंत्र की लड़ाई राहुल गांधी जी ने ऐलान कर दिया है, वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, हमारे देश के निर्माता, हमारे पूर्वजों ने ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी। साथियों, हमारे सेना के जवानों ने सरहद पर खड़े होकर अपने सीने पर गोलियां इसलिए नहीं खाई थी कि आज हमारे लोकतंत्र को इस तरह से कमजोर किया जाए। इस आरएसएस बीजेपी की विचारधारा द्वारा बाहर विदेशों में आज हमें शर्म आती है। राहुल गांधी जी ने जो कहा, देश के लोकतंत्र को बचाने की बात कही,
उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं कहा। इस देश को के लोकतंत्र को हम इस देश के अंदर ही बचाएंगे। हम सभी लोग कांग्रेस के सिपाही, लोकतंत्र के सिपाही, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी बलिदान हम सबको देना होगा, हम सबको तैयार रहना है साथियों, ये बलिदान देने के लिए। साथियों, इस देश का गरीब, इस देश का शोषित, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का हर वो व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा है, आज वो राहुल गांधी का सिपाही बना हुआ। हमारे देश की आजादी की लड़ाई थी, एक हमारे देश के निर्माण का संघर्ष था। मत भूलिए कि हमारे देश पर बार बार वार होता रहा, आजाद मुल्क पर भी बार बार वार होता रहा, लेकिन इस देश को आप सब ने, इस देश के लोगों ने, हमारे देश के महान नेताओं ने इस देश को बचाया, इस देश को हमारे नेताओं ने बचाया, बार बार बचाया। इसलिए नहीं बचाया कि आज इस तरह के तानाशाह लोग सत्ताशीन हो जाएं और इस देश के जो धरोहर है उसको ही नष्ट कर दें। साथियों, हमें संकल्प लेना है, आज हमें संकल्प लेना है कि राहुल गांधी की ये लड़ाई उनकी अकेले की लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी की लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी की लड़ाई केवल विपक्ष की लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, इस देश के लोकतंत्र की लड़ाई है। साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगी। जो हमारे गुरु, जो हमारे गुरु हमें संदेश देकर गए हैं, हम सभी को, देशवासियों को संदेश देकर गए हैं, राहुल गांधी को संदेश देकर गए हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की। देश शिवा वर मोहे एहे, शुभ कर्मन ते कब हो नटरों, न डरो अरीसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।